दोस्तों आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि फीते से कैसे नाप लिया जाता है, फीते में कितने फिट में कितना इंची होता है, कितने इंची में कितना सूत होता है, कितने सेंटीमीटर में कितना एमएम होता है और कितना मतलब कितने सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपकी फुल समझ में आ सके। तो मैं आशा करता हूँ और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरा 100% पीते का मेजरमेंट लेना, पीता में कितना नाप तोल कैसे करें वो सब कुछ इस वीडियो को देखने के बाद सीख जाओगे। ये हमारा इंची टैप है, इस इंची टैप में आपको मैं पूरा यहाँ पे पीते से मेजरमेंट लेना सिखाऊंगा। चलते हैं दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए अपना वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे पीते से नाप तोल करें। बहुत सारे न्यू मिस्त्री हैं जो मिस्त्री का काम करना चाहते हैं लेकिन पीते का मेजरमेंट लेना, पीते से नाप तोल करना नहीं जानते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कितने इंची में कितना सूत होता है, कितने इंची में कितना फिट बनता है और बहुत टाइम लग जाता है इंची से मतलब इंची टेप से नाप तोल करने में उनको, क्योंकि मालूम नहीं होता है कि कितने इंची में कितना फिट बनेगा। तो चलते हैं दोस्तों इसी के बारे में और हम आपको डिटेल से यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपकी पूरी समझ में आ सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा इंची टेप रहा, इसमें आपको सिखाएंगे कि 1 इंची में कितना सूत होता है, कितने इंची में कितना फिट बनता है और ये नीचे कितने मतलब सेंटीमीटर में मीटर होता है, कितने सेंटी में कितना एमएम होता है, मिलीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करिएगा, अगर स्किप किया तो समझो आप कुछ नहीं सीखोगे। तो चलते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे सिखाते हैं सबसे पहले इंची टैप के बारे में, यानी कि इंची और सूत फिट समझाते हैं आपको दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमारा आपको इंची बता देते हैं, 12 इंची में एक फिट होता है, 12 इंची में एक फिट होता है। और ये हमारा देखो यहाँ से हम गिनती हुए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो 12 इंची पे 0.1 यानी कि 1 फिट होता है। तो दोस्तों ये तो आपने मालूम ही होगा और नहीं जानते हैं उन दोस्तों को मैंने बता ही दिया कि 12 इंची में एक फिट होता है, 24 इंची में हमारा 2 फिट होता है। ये देखिए 23 के बाद में 24 आना था लेकिन यहाँ पे 0.2 यानी कि 2 फिट लिखा हुआ है। तो दोस्तों इंची में आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि 1 इंची में कितना फीट होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप कहीं पे मेजरमेंट ले रहे हो, कहीं पे किसी वस्तु को नाप तौल कर रहे हो और आपको यहाँ पे मान के चलो यहाँ से ऐसे 1 फिट के बाद में यहाँ से और आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे चलो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आपका यहाँ रहा है ऐसे, यहाँ पे 1 फिट के बाद में आपने यहाँ पे नाप तोल आ रहा है आपका, इस डंडी पे, ये वाली डंडी पे आपका नाप तोल आ रहा है। तो आप इसे कैसे बोलोगे, कैसे माप लोगे इसका, तो चलते हैं दोस्तों इसके बारे में आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि मान के चलो यहाँ पे कि 1 इंची हमारा यहाँ से 13 से और 14 के बीच का जो मतलब गैप है उसमें 1 इंची होता है, तो 1 इंची में हमारे कितने सूत होते हैं दोस्तों वो भी आपको यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे 1 इंची में कितना सूत होता है वो भी आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए मैं टैप को ऐसे पकड़ लूँगा और आप समझिए यहाँ पे कि हमारा ये मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक का 1 इंची है, तो 1 इंची को हम मतलब 4 भागों में यहाँ पे डिवाइड हुआ है कि 1 2 3 और ये 4, 1 इंची मतलब 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों 1 इंची में 4 भाग होते हैं। तो ये मैं आपको हिंदी भाषा में सरल भाषा में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फुल अच्छी तरीके से सीख सकें। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे 13 इंची के बाद में यहाँ पे आपका नाप आया, तो आप इसे कैसे बोलोगे उससे पहले आपको मैं सूत समझा देता हूँ 1 इंची में कितना सूत होता है। तो दोस्तों 1 इंची हमारा 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है ये, उसके बाद दोस्तों 4 भाग को और 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है, तो 1 इंची में हम 8 भाग बोल सकते हैं सूत के लिए, समझना दोस्तों। तो यहाँ पे 1 इंची में हमारे 2 सूत होते हैं दोस्तों, ये हमारी ये ऐसे 1 इंची में 2 सूत मतलब
एक भाग में हमारे दो सूत होते हैं, 1 इंची में हमारे 8 सूत होते हैं। तो जैसे कि मान के चलो यहाँ से ये 1, 2, 3, 4 भाग में, अब इसे 4 भाग फिर बांटा गया, यानी कि 8 भाग में बांटा गया है। तो यहाँ पे हमारे 8 सूत होते हैं 1 इंची में। तो 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4, 5, 6, 7, 8 सूत। दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया हो, 1 इंची में 8 सूत होते हैं। और ये हमारी ये लाइन है, तो ये हमारे मतलब ये वाली लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 सूत हुआ, इससे यहाँ तक हमारा 2 सूत हुआ। तो दोस्तों जैसा कि आपका यहाँ पे आया, तो आप या तो ऐसे बोल सकते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि 13 इंची 3 सूत, या आप ऐसे बोल सकते हो 1.25 इंची 1 सूत, ऐसे आप इसे बोल सकते हो दोस्तों। तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से बोलना है, ऐसे यहाँ पे आया। तो आप वैसे तो यहाँ पे दोस्तों नहीं समझ पाओगे उस भाषा में, आपको मतलब उस तरीके से नहीं सिखा रहा हूँ ताकि आप हिंदी में सही तरीके से सीख सकें। तो यहाँ पे दोस्तों आप बोल सकते हो इसे 1/4, और इसको बोल सकते हो दोस्तों 1 अंडा हाफ, यानी कि ये हमारा 13.5 इंची होगा यहाँ पे, और ये हमारा होगा 14.5 इंची। तो इसको बोल सकते हो 3/4, यानी कि ये हमारा 14.5 इंची है। तो आप लिखोगे तो 3/4 लिखोगे, और ये तो हमारा है ही 14 इंची। तो दोस्तों ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी आप नाप करो, तो कहीं पे भी आप मान के चलो कोई भी इंची आ रहा हो, तो आप जैसे आपका नाप यहाँ पे आता है, इंची के बाद में यहाँ पे आता है, या यहाँ पे आता है, या यहाँ पे आता है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से मेजरमेंट करना, आपका बिल्कुल क्लियर सही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप किसी भी जगह पे आपको बोलो, तो कहीं पे भी आप पकड़ लो कि 15 इंची 16 इंची के बाद में अगर आपका यहाँ ये इतने पे नाप आता है, तो आप बोलोगे 15 इंची या 16 इंची। यहाँ पे नाप आता है तो आप बोलोगे 16 इंची 3 सूत, 15 इंची 3 सूत। कहीं पे भी आप नाप लो, तो इसी तरीके से नाप लेना है। तो दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि ऐसे कि हमारा इसमें देखो इंची टेप में, कि हम कहीं पे भी ऐसे एकदम लंबा फीता खींचने के बाद, इंची टेप खींचने के बाद में, और नाप बताने में हिचकिचाते हैं और हमारी समझ में नहीं आ पाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा 41 इंची लिखा हुआ है, 41 इंची पे। अब आप यहाँ पे 12 इंची से मतलब इसमें डिवाइड करोगे तो टाइम लगेगा, और बहुत टाइम बाद आप बता पाओगे कि इतना पेट हमारा यहाँ पे, इतना पेट इतना इंची हुआ, इतना पेट इतना सूत हमारा यहाँ पे हुआ। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे 41 इंची है, तो यहाँ पे हर इंची टेप पे ये लिखा रहता है दोस्तों, कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिखा है ये 3, 3-5, 3-5 का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, आप यही कन्फ्यूजन आपका मैं दूर कर रहा हूँ। तो ये 3-5 का मतलब हुआ 3 पेट 5 इंच, यानी कि ये संकेत कर रहा है 41 इंची को। तो ये बता रहा है कि आपका यहाँ पे माप आया है 3 पेट 5 इंची। ये दोस्तों हर इंची पे आपको मिल जाएगा, चाहे आप कितना भी लंबाई नाप तोल करो, ये डायरेक्टली आपको इंची मिंची मतलब बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, पहले यहाँ से देखेंगे कि भाई यहाँ पे कितना पिट था आगे, उसके बाद में हम इनको बताएंगे कि यहाँ पे इतना इंची, उसके बाद में पिट देखने के बाद फिर वो मतलब गिनते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे बताते हैं वो, कोई 8 पिट 6 इंची हुआ। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये सीखना बिल्कुल आसान है। आपको बस ये देखना है कि इंची के पास में कितना हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ना देखते हुए, यहाँ पे देखो ये 8 पिट है, तो 8 पिट में यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे 8-6 लिखा है। तो 8-6 का मतलब ये संकेत दे रहा है इसको, 102 इंची को, कि आपका 102 इंची पे 8 पिट 6 इंच होता है। तो दोस्तों ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया हो। तो थोड़ी सी बात दोस्तों आपको यहाँ पे mm मीटर सेंटीमीटर में बता देते हैं, जिससे कि आप फुल तरीके से अच्छी तरीके से सीख सके। तो चलते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे mm में और सेंटीमीटर में सिखाते हैं थोड़ा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा हुआ 10 सेंटीमीटर।
10 सेंटीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर में दोस्तों ऐसे कोई भी होता है, जैसे किलो में हमारा 10 यानी कि 100 ग्राम में, जैसे मार के चलो 100 ग्राम में हमारा मतलब 100 ग्राम बनता है, तो ऐसे 100 ग्राम के 10 100 ग्राम करके हमारा 1 किलो वजन होता है। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि इन सबको मिला के दोस्तों हमारा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बनता है। 10 सेंटीमीटर में दोस्तों 10 सेंटीमीटर में हमारा होता है कितना, 100 मिलीमीटर, यानी कि आप यहाँ पे 100 mm भी बोल सकते हो, 100 मिलीमीटर भी बोल सकते हो, 10 सेंटीमीटर भी इसे बोल सकते हो दोस्तों। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। अब आपको सिखाते हैं यहाँ पे बेसिक जानकारी कि हमारा ऐसे मान के चलो ये 8 से 9 तक के गैप में हमारा 10 लाइन है। 10 लाइन का मतलब हुआ हमारा 10 मिलीमीटर यानी कि 10 mm, आप इसे 10 mm बोल सकते हो दोस्तों। इसमें इन दो भाग में इसे डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। हमारा बीच का जो लंबा वाला लाइन हुआ है ये वाला, तो ये लाइन दिया है यानी कि इसे दो भाग में डिवाइड किया, 5 लाइन इधर 5 लाइन इधर, तो हमारा यहाँ पे यानी कि 8 से और 9 के बीच में एक लाइन है, वहाँ तक हमारा होता है 5 मिलीमीटर यानी कि 5 mm दोस्तों। तो आपको ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं आपको थोड़ा और नॉलेज यहाँ पे सिखाते हैं कि मतलब हमारा कितने सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे ऐसे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हमारा यानी कि यहाँ पे 100 सेंटीमीटर में हमारा 1 मीटर होता है दोस्तों, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है यानी कि 1000 मिलीमीटर को जो मतलब 1 मीटर कहा जाता है, यानी कि 1000 mm को 1 मीटर कहा जाता है दोस्तों। कोई भी आपको वस्तु नापनी हो तो आप इसे ऐसे बोलोगे 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, और या mm में बोलोगे तो आप इसे बोलोगे 1 मीटर 100 मिलीमीटर यानी कि 100 mm। तो दोस्तों ये भी आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे देता हूँ विराम, और आज बस इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।